हेलो एंड वेलकम टू विजन प्लस अकेडमी द रेस्टोरेंट आज हम स्टडी करेंगे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट फॉर यू पी एस एंड अदर स्टेट पी एंड जे के एस बट बिफोर स्टार्टिंग डू शेयर एंड सब्सक्राइब विजन प्लस अकेडमी फॉर फ्यूचर लेक्चर्स एंड इन आर्डर टू गेट पी डी एफ आफ दिस टॉपिक यू कैन जॉइन विजन प्लस अकेडमी टेलीग्राम चैनल एंड आल्सो फॉलो फ्री एजुकेशन पेज ऑन फेसबुक लेट एस स्टार्ट अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट देखिए जो आंध्र प्रदेश है इट वॉज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जिसको लैंग्वेज के बेस पे बनाया गया था इन अक्टूबर 1953 में आप ये याद रख सकते हैं इसी आंध्र प्रदेश के अमरावती और नाग अर्जुन कुंडा के रीजन में डेवलप हुआ था अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स देखिए अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे देर आर फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स जो फाल करते हैं बिया बंगाल में वन इज़ महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावरी अगर हम इस मैप को जूम करके देखेंगे जो आंध्र प्रदेश हैं यहाँ से दो इम्पॉर्टेंट रिवर्स फ्लो करते हैं वन इज़ गोदावरी एंड अनदर इज़ कृष्णा इसके बीच में जो लैंड एरिया है इसी लैंड एरिया पर लोकेटेड है हमारा अमरावती एंड नाग अर्जुन कोंडा रिजनस जहाँ पर फ्लोरिश हुआ था डेवलप हुआ था अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा वन ऑफ़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का वह जो श्रीलंकन एज वेल एज साउथ ईस्ट एशिया में जो स्कल्पचर बनता था उस स्कल्पचर में इन्फ्लुएंस देखा गया है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का एज वेल एज जो साउथ इंडिया में स्कल्पचर बनता था तमिलनाडु में केरला में वहाँ पर भी अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का इन्फ्लुएंस देखा गया है ठीक है अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट देखिए जिस तरह गंदरा एंड मथुरा स्कूल ऑफ को सपोर्ट किया था पेट्रोनाइज़ किया था कुशन रूलर्स ने ड्यूरिंग सेकंड सेंचुरी इसी तरह अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को पेट्रोनाइज़ किया था सातवना रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया ने ठीक है जिस तरह मथुरा स्कूल ऑफ़ आर्ट इंडिजीनियसली डेवलप हुआ कंट्री में उसी तरह जो अमरावती स्कूल ऑफ़ आर्ट है ये भी प्योरली इंडियन आर्ट था यानी ये प्योरली कंट्री में डेवलप हुआ किसी भी एक्सटर्नल कंट्री का इन्फ्लुएंस नहीं था अमरावती स्क्ल्पच्चर पर यानी जो अमरावती रिजन में स्कल्प्चर बनाया जाता था उस स्कलपच्चर में किसी भी कंट्री का इन्फ्लुएंस नहीं देखा गया किसी भी फॉरेन कंट्री के स्कल्पचर के फीचर्स वहाँ पे ऐड नहीं किए गए इट वाज प्योरली इंडिजिनस आर्ट ठीक है और अमरावती रीजन में जो स्कल्प्टर रहते थे आर्ट बनाने वाले लोग रहते थे वो यूज करते थे व्हाइट मार्बल स्टूनस फॉर आर्ट मेकिंग स्कल्पचर मेकिंग ठीक है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में मेनली बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस था इसका मतलब है अमरावती रीजन में मेनली बुधा का स्कल्पचर बुधा के इमेज को बनाया जाता था दो वहां पर बहुत सारे रिलिजन का स्कल्पचर बनाया जाता था बट मेन डोमिनेशन वॉज ऑफ द इमेज ठीक है अनलाइक अदर टू स्कूल ऑफ आर्ट वन वाज गदरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड अनदर वाज मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो फोकस करते थे सिंगल इमेज़ पर डैट मीनज अगर उन स्कूल में बुधा के इमेज को बनाना था तो आनली बुधा के इमेज को बनाया जाता था लेकिन अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो थी वहाँ पर फोकस किया जाता था डायनेमिक इमेजेस और नैरेटिव आर्ट पर डैट मीनज मल्टीपल इमेजेस को इनकॉर्पोरेट करके अमरावती स्कल्पचर बनाया जाता था बिकॉज अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में जो स्क्लप्चर बनाया जाता था इट वॉज़ बेस्ड ऑन जटाका स्टोरीज़ डैट मीनज जो स्टोरीज़ अबाउट द लाइफ इवेंट्स है लॉर्ड बुधा के उनको हम बोलते जटाका स्टोरीज़ उन्हीं जटाका स्टोरीज के बेस पर बनाया जाता था अमरावती स्क्लप्चर ठीक है जटाका स्टोरीज़ का मतलब होता है स्टोरीज़ जिनको बनाया गया है ऑन द लाइफ इवेंटस ऑफ लॉर्ड बुधा उनको हम बोलते जटाका स्टोरीज़ ठीक है आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अब हम कुछ एम भी सॉल्व करेंगे फर्स्ट इज देखिए यहाँ पर स्कूल ऑफ आर्टिस्ट दिए गए हैं और आपसे पूछा गया आप बताइए इनमें से कौन सा इंडिजीनियसली डेवलप हुआ इंडिया में यानी जहाँ पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं था वन इज अमरावती स्कूल गांधरा स्कूल एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट देखिए जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है ये तो हमें रिसेंटली पढ़ा है इट वॉज टोटली इंडिजिनस आर्ट जो गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट है ये इंडिजिनस आर्ट नहीं था और जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है इट वॉज़ टोटली इंडिजिनस आर्ट डेट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वह है वन एंड थ्री बी पार्ट ठीक है नेक्स्ट टाइम से क्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट यानी कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिलेटेड है गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट से वन इज इट हैड हेलिनिस्टिक इन्फ्लुएंस ऑन इट स्कल्पचर ये बिल्कुल सही है ग्रीकज एंड रोमन्स का इन्फ्लुएंस देखा गया है गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट के स्कल्पचर पर ठीक है नंबर टू इट वॉज प्योरली इंडिजिनस आर्ट ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर फॉरन इन्फ्लुएंस था नेक्स्ट गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरश इन टू स्टेज ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है नेक्स्ट इट वॉज पैट्रोनाइज बाई क्वेश्चनज ये स्टेटमेंट भी सही है क्वेश्चन ने पेट्रोनाइज किया था सपोर्ट किया था गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट को ज्यूरिंग सेकंड सेंचुरी डैट मीन्स जो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है वह है वन थ्री एंड फोर ऐसे ही क्वेश्चन क्वेश्चन या एम पूछे जाते हैं स्कूल ऑफ आर्ट्स पर ठीक है आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा अगर लगा लाइक द सेशन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब विजम पल्स अकेडमी फॉर फ्यूचर लेक्चर्स अगर आपको कोई भी एम पूछना है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो